जनपद संभल के चंदोसी में समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की एक बूथ स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन स्थान पंजाबी धर्मशाला स्टेशन रोड चंदोसी पर हुआ। बैठक की अध्यक्षता समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश प्रजापति ने की तथा संचालन जिला महासचिव कृष्ण मुरारी शंकरधर ने किया। कार्यक्रम में लोक बंधु राज नारायण जी की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर माल्या अर्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए उन्हें अन्याय के प्रति संघर्ष का प्रतीक बताया। कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव हरीश चंद्र प्रजापति ने बूथों की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रत्येक बूथ पर महिलाओं, नौजवानों, छात्रों तथा पिछड़ों को बूथ प्रबंधन पर लगाकर बूथ को मजबूत करने का कार्य करें, जिससे कि जनपद संभल की चारों विधानसभा सीटों को जीता जा सके तथा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर किसानों, गरीबों, मजदूरों, छात्रों को उनका हक देने का कार्य किया जा सके। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष असगर अली अंसारी ने कहा कि केंद्र तथा प्रदेश की जन विरोधी नीतियों ने आम आदमी का जीना दुश्वार कर दिया है। पूरा प्रदेश महंगाई से त्रस्त है। डीजल, पेट्रोल, सिलेंडर, दाल, तेल सहित रोजमर्रा की आवश्यकताओं ने आम आदमी की कमर तोड़ के रख दी है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश प्रेमी ने कहा कि बूथ प्रबंधन की विधानसभा चुनाव की जान है। बूथ जीतेगा तो सपा का विधायक बनेगा और जब विधायक जीतेगा तो अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। जब अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे तभी किसानों का, मजदूरों को, गरीबों का हित हो सकेगा। समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश प्रजापति जनपद की बूथ स्तरीय रिपोर्ट पेश कर सभी से सहयोग की अपील की। हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष जी ने ये बातें स्पष्ट कर दी है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश पर इस जनपद में बूथ कमेटियों की समीक्षा के लिए और उनका स्थलीय भौतिक सत्यापन के लिए मुझे भेजा गया है और ये स्थलीय सत्यापन पूरे प्रदेश में चल रहा है। मुझे चार मंडल की जिम्मेदारी दी गई है, सहारनपुर, मेरठ, आपका मुरादाबाद और अलीगढ़, और मैं उसी चरण में यहाँ आया हूँ। मुझे खुशी है कि यहाँ चार विधानसभाएं, चार विधानसभाओं में मैंने फ़ोन करके भी देखा, बूथ कमेटी बड़ी शानदार बनी है, ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं और ये निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आने वाले 2022 के चुनाव में हमारे वो महान योद्धा जो बूथ कमेटी के प्रभारी हैं, सेक्टर प्रभारी हैं और हमारी सम्मानित जो संगठन की शक्ति है उसके बल पर 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार आएगी और माननीय अखिलेश यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और ऐतिहासिक विकास कार्य पहले से भी और ज़्यादा होंगे। आज हमारी पार्टी के पिछला वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश के महासचिव आदरणीय हरिश्चंद्र प्रजापति जी आज हमारी बूथ कमेटियों की समीक्षा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं सबसे पहले तो उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और यहाँ पर हमने सारे बूथ के लोग बुलाए हैं, इसकी समीक्षा यहाँ पर होनी है क्योंकि आज जब चुनाव आ रहा है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सभी जात बिरादरी के लोगों को लगा करके हर बूथ बूथ जा करके समीक्षा करने के आदेश दिए हैं। क्योंकि पहले कुछ लोग हमारे गलत कर लिया करते थे कि भाई फर्जी बूथ कमेटियाँ भेज दी, लेकिन हम लोगों ने जो बूथ कमेटी अपनी बनाई हैं उसको पूरी तरीके से ज़मीनी नेताओं को जोड़ करके बनाने का काम किया है। आज उन्हीं की समीक्षा करने के लिए आए हैं। आज हमारे आदरणीय लोक बंधु राज नारायण जी की जयंती भी है, हमने उसको भी यहाँ पर मनाने का काम किया है और उनके पद चिन्हों पर चल करके 2022 में हम लोग समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं।